गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री साधना से क्या भाग्य भी बदल सकता है? ये सवाल एक लड़की का गुरुदेव से था जिसने IIT किया था और वो गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करने शांति कुंज आई हुई थी। आइए जानते हैं उसकी कहानी। सूरज की चमक सब तरफ बिखरी हुई थी, इसके बावजूद वातावरण में हल्की सी नमी का एहसास था। इसका कारण था सुबह हल्की बारिश का होना। सुबह सुबह बारिश की हल्की सी बूंदें जिस ढंग से धरती पर गिरी थी उससे गर्मी की तपन काफ़ी कुछ शांत हो गई थी। इसके अलावा बारिश की फुहारों के कारण धरती और आसमान काफ़ी धुले धुले साफ स्वच्छ लग रहे थे। इस राहत में एक सुख और सुकून भी शामिल था। ऐसा होना स्वाभाविक भी था, आखिर कुछ ही दिनों के बाद गायत्री जयंती का महापर्व जो मनाया जाना था। गायत्री शांति कुंज व पूरे विश्व में फैले हुए गायत्री परिवार का अधिष्ठान व आधार थी। पुरातन वैदिक युग के बाद पहली बार धरती पर गायत्री महामंत्र की साधना जन जन का जीवन बनी थी। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के बाद पहली बार ब्रह्मर्षि व युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महामंत्र के तत्व व रहस्यों को स्वयं समग्रता और संपूर्णता में अनुभव करने के बाद इन्हें सार्वजनिक किया था। उन्होंने अपने तपोबल और आत्मबल से वेद माता गायत्री को जन जन की ज्ञानदायिनी माता के रूप में प्रतिष्ठित किया था। गायत्री जयंती उनकी इस महासाधना की उपलब्धि का महान पर्व था। युग निर्माण मिशन के सूत्र संचालक के साथ इसके केंद्रीय और स्थानीय कार्यकर्ता इसको इसी रूप में मनाते थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही होना था। इसी की सुगंध शांति कुंज में चहुं ओर व्याप्त हो रही थी। इसी सुगंध को अपनी श्वासों में समाकर परम पूज्य गुरुदेव के पास जाना हुआ। परम पूज्य गुरुदेव के पास आज इस तरह जाना एक नियमित क्रम का हिस्सा था। गायत्री साधक लिखते हैं, आज जब उनके पास जाना हुआ तो वहाँ पहले से एक लड़की बैठी हुई थी। उसकी उम्र यही कोई 24 वर्ष रही होगी। परम पूज्य गुरुदेव उसी से बातें कर रहे थे। वह मंद किंतु मधुर स्वर में उनसे बातें कर रही थी। कुछ देर तक उसकी बातें सुनने पर लगा कि वह नई दिल्ली से आई हुई है। गोरा रंग, आकर्षक नाक नक्श, किंतु सौम्य शालीन व्यक्तित्व। अब तक की उसकी बात सुनने पर यही पता चला कि उसने नई दिल्ली की IIT शाखा से उच्च शिक्षा पाई है, संभवतः MTech जैसी कोई उपाधि अर्जित की थी। इसी के साथ IAS ये प्राथमिक और मुख्य परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की थी। अब साक्षात्कार परीक्षा के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद लेने आई थी। बातों ही बातों में उसने ये भी बताया कि उसे संगीत, चित्रकला, कविता, लेखन आदि के भी शौक हैं। रेडियो TV में भी उसके कई कार्यक्रम आ चुके हैं। उसकी ये सब बातें सुनकर गुरुदेव ने कहा, इतना सारा ज्ञान एक साथ। फिर उन्होंने कहा, अच्छा ये बात बता कि तुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता है, कोई ऐसी चीज़ भी है जो तुझे नहीं पता? ये बात उन्होंने हंसी के लहजे में कही थी, परंतु उस लड़की ने उत्तर गंभीरता से दिया और बोली, गुरुदेव मुझे साधना के बारे में नहीं पता। उसने ये बात बड़े सौम्य स्वर में शालीन ढंग से कही थी। ये बात सुनकर गुरुजी बोले, गायत्री के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता? लड़की बोली, बस गायत्री महामंत्र सुनकर याद कर लिया है और यहाँ आने पर गायत्री महाविज्ञान की पुस्तक लेकर थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की है। ये बात सुनकर गुरुदेव ने उसके मुख की ओर देखा और बोले, बेटा गायत्री महाविज्ञान में मैंने सामान्य लोगों के काम की सारी बातें लिख दी हैं, जो उसमें नहीं लिखा है तो समझो वह आम लोगों के काम की बात ही नहीं है। लेकिन जो तुम्हारी जिज्ञासा है, जो तुम जानना चाहती हो उसे कहो। उनका ये कथन पूरा होने पर उसने कहा, गुरुजी क्या गायत्री मंत्र से अपना भाग्य बदला जा सकता है? बड़ा अटपटा किंतु सीधा सपाट सवाल था उसका। इस सवाल ने मुझे भी थोड़ा चौंकाया। फिर सोचा, देखते हैं गुरुदेव इसका क्या उत्तर देंगे। उसके इस प्रश्न ने गुरुदेव को भी थोड़ा गंभीर किया। वे बोले, तुम्हारा सवाल तो है थोड़ा अटपटा, परंतु इसका सही उत्तर हाँ में ही होगा। हाँ, ये सच है कि गायत्री साधना से भाग्य बदलता है, किंतु कब और कितना ये गायत्री साधक की साधना और उसके स्तर पर निर्भर करता है। गुरुदेव की ये बातें वह कन्या बड़े ही ध्यान व मनोयोग से सुन रही थी। पूज्य गुरुदेव भी
उसे उतने ही मनोयोग से समझा रहे थे। वे कह रहे थे कि केवल गायत्री महामंत्र दोहरा लेने का नाम गायत्री साधना नहीं है, गायत्री साधक की जीवन शैली, चिंतन की शैली भी गायत्री साधना के अनुरूप होनी चाहिए। ये बात सुनकर उस लड़की ने बड़ी जिज्ञासा भरे नेत्रों से उनकी ओर देखा। इस पर वे बोले, सामान्य जनों के लिए गायत्री साधना की 3 कक्षाएं हैं। इनमें से पहली कक्षा को हम प्राथमिक कक्षा कह सकते हैं। इस कक्षा में वे सभी साधक आते हैं जो ब्रह्म वेला में प्रतिदिन 11 माला का जप करते हैं, साथ ही अपने आहार विहार को सात्विक बनाए रखते हैं, प्रति सप्ताह रविवार और गुरुवार का व्रत करते हैं। इसके साथ दोनों नवरात्रों में 24,000 के लघु अनुष्ठान व्रत उपवास संपन्न पूरे करते हैं। ऐसा करने वाले गायत्री साधकों के सामान्य जीवन क्रम के संकटों का निवारण भगवती की कृपा से होता रहता है। गुरुदेव के प्रत्येक शब्द को वह लड़की बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। वे कह रहे थे, इसके बाद माध्यमिक कक्षा है। इनमें वे साधक आते हैं जो नियमित चंद्रायन व्रत करते हुए प्रति मास 125,000 जप के क्रम को पूरा करते हैं। ऐसा करते हुए वे अपने जीवन के 24 वर्ष या इससे अधिक का समय बिताते हैं। जो साधक ऐसा करते हैं वे अपने भाग्य के जटिल अवरोधों का भी शमन कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि अपने जीवन काल में काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष आदि विकारों से मुक्त रह सकें तो भाग्य उनके रास्ते में रुकावट पैदा नहीं करता। वे आसानी से अपनी सदिच्छा या सत्संकल्प को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद गायत्री साधना की 3री कक्षा है। इसमें वे साधक आते हैं जो अति कठिन कृच्छ व्रत को करते हुए 24-24 लाख के 24 पुरुषण संपूर्ण शास्त्रीय विधान के अनुसार करते हैं, साथ ही अपनी साधना अवधि में वे स्वयं को भावनात्मक वैचारिक एवं व्यवहारिक विकारों से मुक्त रखते हैं। ये काम थोड़ा कठिन है क्योंकि ऐसी साधनाओं को संपूर्ण व संपन्न होने में भाग्य अनेक बाधाएं खड़ी करता है, लेकिन जो ऐसा कर लेते हैं वे सचमुच ही अपने भाग्य को परिवर्तित कर लेते हैं। उन्हें अपने भाग्य का निर्माता या विधाता होने का सौभाग्य मिल जाता है। अपनी ये बात पूरी करके गुरुदेव चुप हो गए। तभी उस लड़की ने धीमे स्वर में कहा, यदि ये सभी साधनाएं सामान्य जन के लिए हैं तो फिर विशिष्ट जनों के लिए क्या है? इसके उत्तर में गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, इसे विशिष्ट जन ही करते हैं और विशिष्ट जन ही सुनते हैं। संभवतः वह आगे कुछ नहीं कहना चाहते थे, परंतु जो उन्होंने कहा वह प्रत्येक के लिए प्रतिदिन मनन करने योग्य है। तो इस तरह से गुरु जी समझाते हुए कि जो जितनी अधिक साधना करेगा उसको उतना ही अधिक प्रतिफल मिलेगा और वो अपना भाग्य भी बदल सकेगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।